दुश्मन और हमें पता चल गया था कि मासी इस परिवार को बर्बाद कर देना चाहती है। स्वर्ण भवन को हत्या के हम सबको इस घर से बाहर निकाल देना चाहती है। और ये हम आप सबको बताते हैं, इससे पहले उन्होंने करण का एक्सीडेंट करवा दी। करण की इच्छा पूरी करने का और स्वर्ण भवन को बचाने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय ये कि हम सिद्धार्थ जी को करण बनाकर यहाँ ले आए ताकि मासी का पर्दा फाश हो सके। और हमने यही किया। हमारा यकीन मानिए, सिद्धार्थ जी ने हमारी बहुत मदद की है। उन्हीं की वजह से मासी आज घर के बाहर है। जब हमें और कुछ सूझ नहीं रहा था तो हमने संस्कार को बुलाया मुंबई। आपको याद है जब साने की डिलीवरी होने वाली थी तब संस्कार यहाँ नहीं था, वो हमारे साथ था मुंबई। तुम गवाही भी किसकी किसकी बात की दे रही हो? संस्कार की, जो खुद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने निकला था। तुम्हें देवी मानती है, देवी पापा और माँ तुम्हें दोनों देवी मानते हैं और तुम उनके पीठ पीछे ये सब करती रही। आबा, ये जानते हुए कि ये आदमी तुम्हारा पति नहीं है, गैर मर्द है, तुम इसके साथ दिन रात रही, क्यों क्यों धोखा दिया सबको? किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। इतने गंदे और ओछे इल्जाम लगाने से पहले सोच तो लिया करो शैली। जिसके बारे में तुम बात कर रही हो हमारे बेटे करण की पत्नी है और दूसरी तरफ हमारा बेटा रणछोड़। साला इतने गंदे दिमाग हैं कि अपनी बहू पे यकीन नहीं हो रहा किसी को। तुम तो कहोगे ही, तुम पर बराबर का इल्जाम जो लगा है। चली, जिसके बारे में तुम बात कर रही हो वो हमारा बेटा रणछोड़ है, इस घर का बेटा है। ओए, ये बाप बेटे का ड्रामा मत चालू करना, क्योंकि बेटे का हक तो मुझे मिला नहीं तो बाप का हक तो तुझे दूंगा नहीं, और ना ही मैं इस घर का बेटा बनना चाहता हूं। हाँ तो हमें कौन सा शौक है तुम्हें इस घर में रखने का? और तुम्हें यहाँ पर रखने का भी कोई शौक नहीं हमें? तुम जैसी औरत को यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। निकलो बाहर, निकलो। शैली क्या कर रही हो तुम? रुक जा। किसी ने भी आभा की तरफ उंगली भी उठाई ना तो मैं अपनी असली औकात पे आ जाऊंगा। बहुत भारी पड़ता हूँ। सही कह रहा है रणछोड़, मैं इसकी बात से सहमत हूं। आभा के खिलाफ मैं भी कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। शायद लोग समाज तेरी बात ना समझ पाए, और जिस तरह से तू उसका ध्यान रखती है ना बेटा, कई लोग ये ना समझ बैठे कि क्या माँ, यही ना कि मेरा इनके साथ पहले से ही कुछ। हम लोग समाज में रहते हैं, उसी के नियमों से जीना पड़ता है। और तू जानती है ना बेटा कि एक अकेली औरत को देख लोग सौ सौ तरह की बातें बनाते हैं समाज के नियमों को निभाने के लिए। मैं वो कसम नहीं भूल सकती जो मैंने डॉक्टर बनते वक्त ली है। माँ, नील को मेरी बहुत जरूरत है, मैं किसी से नहीं मिलूंगी बस। तो हमने जो सुना है वो ठीक ही सुना है कि आपके बेटे करण की जगह आपका दूसरा बेटा रणछोड़ पूरी कर रहा था। पराए मर्द के साथ एक ही कमरे में सोई, छी 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 छी। करण, आप नहीं जानते आपके बिना हम पर क्या बीत रही है। काश आप तक पहुंचने का कोई रास्ता हम जानते।